तो गाइज यार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट लैंडिंग कराते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट लैंडिंग। तो भाई साहब, ये बात जो है बिल्कुल आग की तरह फैल गई है। और एक बार फिर तुम्हारा भाई मिलिट्री बेस जा रहा है, और देख लो भाई, एक पैराशूट तुमको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई साहब बंदों ने हमसे पहले लैंडिंग कर ली है और हम ही पीछे रह गए हैं। तो गाइज यार, अगर हमको अपनी इज्जत बचानी है तो अब हमको अपनी फटी हुई चड्डी को पकड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से, वरना गाइज गंडिया टूट जाएगी और बिजली तो भरपूर होने वाली है। अब यार एक तरह से हमको फायदा ही हो गया गाइज, यहाँ पे आके हमको फ्लेयर गन मिल गई है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये फ्लेयर गन हम यहाँ चला पाएंगे या नहीं। अब यार यहाँ से हमको गन मिल जाती है, और भाई साहब एक चचा खुले में बंदरों की तरह उछलते हुए आ रहे होते हैं, और भाई साहब हाथ में लिए होते हैं आमने टोला तवा। हमने बोला लो बेटा परेशान है, साले तवा तो हाथ में लेके आ रहे हो, अंडे कौन लेके आएगा भाई। अब एक काम करो, जल्दी से जाओ लॉबी और अगले मैच में अंडे जरूर लेके आना। अब यार जल्दी से पूरा मिलिट्री बेस खाली करते हैं, कहें कि गाइस हमारे पास फ्लेयर गन भी तो है, फ्लेयर गन भी चलानी है यार हमको। भाई जिंदगी में पहली बार तो मिलिट्री बेस में भाई फ्लेयर मिली, और फ्लेयर मिलने के बाद भाई हम थोड़ा बहुत सर्वाइव भी कर लिए, तो अब तो यार फ्लेयर चला के रहेंगे, कहीं हमारा सपना ये टूट ना जाए। अरे यार चलो, सपना टूट जाएगा कोई बात नहीं, बस गंडिया नहीं टूटनी चाहिए, वरना यार बेइज्जती होने वाली है हमको बहुत बुरी। अब यार हम बिल्कुल ध्यान लगा के सामने वाले बंदे के फुटस्टेप सुन रहे होते हैं, तभी एक चाचा हमारे पीछे आ जाते हैं, और देख लो भाई इनको। अब लो बेटा प्रसाद है, साले मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे क्या, हमको कोई नहीं हरा सकता, हमारा सपना कभी नहीं टूटेगा, फ्लेयर चलाने चलाने का टूट गया।